दोस्तों मोटोरोला ने फाइनली अपना मोटो G5S प्लस लॉन्च कर दिया है और आज इस वीडियो में मैं इसी फोन से रिलेटेड बात करने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलर लेटेस्ट एंड अपकमिंग स्मार्टफोन वीडियो, स्पेक्स कंपेरिजन वीडियो और अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग मोटो G5S प्लस के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। दोस्तों मोटो G5S प्लस में 5.5 इंच की फुल HD वाली डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिजोल्यूशन 1080x1920 पिक्सल का दिया गया है। और साथ में दोस्तों मोटो G5S प्लस में गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। दोस्तों बात करें कैमरा की, तो मोटो G5S प्लस में 13 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जो कि डुअल टोन LED फ्लैश के साथ आता है और इसका अपर्चर f2.0 का दिया गया है। और साथ में दोस्तों बात करें फ्रंट कैमरा की, तो मोटो G5S प्लस में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो कि LED फ्लैश के साथ आता है और इसका भी अपर्चर f2.0 का दिया गया है। दोस्तों बात करें स्टोरेज रैम की, तो मोटो G5S प्लस में 2 स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलता है, 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी, या फिर 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी, जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं 128GB तक। दोस्तों बात करें प्रोसेसर की, तो मोटो G5S प्लस में स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और ये 2GHz पे क्लॉक्ड है और साथ में ये एड्रीनो का 506 GPU के साथ आता है। दोस्तों मोटो G5S प्लस एक डुअल सिम डिवाइस है, जो कि 4G/LTE को सपोर्ट करता है और ये एंड्रॉयड 7.1 यानी कि नौगट आउट ऑफ द बॉक्स रन करता है। दोस्तों बात करें बैटरी की, तो मोटो G5S प्लस में 3000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि टर्बो पावर चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोस्तों बात करें सेंसर्स की, तो मोटो G5S प्लस में एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, जायरोस्कोप और इमीडिएट लाइट सेंसर दिया गया है। दोस्तों बात करें डिजाइन की, तो मोटो G5S प्लस मेटल यूनिबॉडी डिजाइन के साथ आता है और इसके होम बटन पे फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। तो दोस्तों ये तो हुई स्पेसिफिकेशंस की बात, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। दोस्तों इसका प्राइस रखा गया है 22,000 रुपये के आसपास और ये बहुत जल्द सेल के लिए उपलब्ध होगा। अब ऐसे में दोस्तों देखना होगा इसे किस प्राइस रेंज में भारत में लॉन्च किया जाता है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना है। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक से रुको और हमें चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।